हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोगों को? आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज हम लोग हैं भवनखाल रुके हुए हैं। ये वैसे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन यहाँ से 50 किलोमीटर आगे पौड़ी गढ़वाल लग जाता है। तो हम लोग रामनगर शूट में आए थे, फिर रामनगर से हम लोग कल एक गाँव में गए थे शूट करने के लिए, जहाँ मैंने डांस किया, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसके बाद हम लोग आए इधर रिजॉर्ट पर रुकने के लिए। बाकी मेरा ड्रेसअप आज का तो ड्रेस है कुछ ऐसा, ये मैंने भाभी से जो सिलवाया था। हमारे घर के ऊपर एक भाभी रहती है, उन्होंने बहुत सुंदर सिलाया। अमित फोन पकड़ा, ऐसा आगे से मैं फुल दिखाती हूँ। चलो फोन पकड़ देगा, ये अमित है, पता ना गाइस। आज देखो हम दोनों ब्लैक एंड व्हाइट बन गए, ब्लैक एंड व्हाइट। ऑलरेडी ये है मेरा ड्रेस, देखो। और भाभी ने बहुत प्यारा सिलाया, बट ये दुपट्टा और वो लेगी मैंने ली है मार्केट से मैचिंग करने के लिए, क्योंकि पूरा व्हाइट अच्छा नहीं लगता। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। आज का ब्लॉग दिखाते हैं आपको। बाकी ना ये 3-4 दिन से, एक हफ्ता हो गया मुझे ये पहनते पहनते, तो मेरे ना ये कान बहुत दुखने लग गए हैं। दीपक अभी बाहर गया हुआ है थोड़ा, तो आज दीपक को कोई मिले होंगे जो उनसे कहा होगा कि दीपक की वीडियो देखते हैं। तो दीपक बहुत खतरनाक वाला खुश हो रहा है, इसी खुशी में वो बाथरूम भाग गया। तो नाश्ता हमने इन लोगों को ही बनाने के लिए कहा है, पराठे के आलू के, क्योंकि कल रात हमने आलू के पराठे खाए थे, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे बनाए थे। तो सामान वामान सब पैक है, और सब ये डाल देती हूँ, लेकिन मेरे पावर बैंक में चार्ज खत्म हो गया, पता है। और आज एक अच्छी चीज़ है, मेरा मेकअप बहुत अच्छा हो रखा है और सेट हो रखा है ये, वरना ना मेरा मेकअप फट जाता है। आज मैंने कोई दूसरा फाउंडेशन यूज़ करा है, पहले मैं अभी उसका नाम नहीं बताऊँगी। अगर ये मेकअप दिन तक, शाम तक मेरे शूट करने तक टिक गया, देन फिर मैं आपको उस फाउंडेशन का नाम बताऊंगी। आज मैंने थोड़ा डिफरेंट फाउंडेशन यूज़ किया है, तो बाल मेरे ऐसे ही रहेंगे, थोड़े गंदे हो गए हैं। यहाँ बहुत ठंड है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इस वजह से मैं नहीं नहा पा रही हूँ। तो नहाऊंगी मैं अब सीधे अल्मोड़ा जा करके। बट बाल अभी मैं ना धोती भी, तो फिर ना ये वाइट है, फिर गीले गीले बाल वाइट में लगते, तो वो दिक्कत हो जाती। तो इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे लड़कियाँ पूछती हैं ना आप कौन से मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हो। कल तक तो मैं, कल मैंने फिट मी का किया था, वो भी मुझे सूट नहीं हुआ, और ये सारी चीज़ें यूज़ की थी। आज मैंने दूसरा फाउंडेशन यूज़ किया, अभी फ़िलहाल अच्छा हो रहा है, थोड़ी देर में इसका रिजल्ट पता चलेगा। विद SPF के साथ ये फाउंडेशन आता है, तो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी अगर टिक गया तो। अब मैं आपको चल के यहाँ के खूबसूरत नज़ारे दिखाती हूँ, जिस वजह से हमने ये रिजॉर्ट होम स्टे, रिजॉर्ट नहीं होम स्टे लिया है। यहाँ रामनगर से टिप्सी बुक करके लोग आते हैं, बाकी हमारी गाड़ी यहीं पर को है, यहीं पर को पार्किंग है। यहाँ पे से अंदर को कॉर्बेट हिमालया व्यू पॉइंट है, और यहाँ का माहौल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, एक इंसान यहाँ पे हाथ धो रहा है, पता नहीं कौन है, हम नहीं जानते हैं इसको। कौन हो भाई साहब? मेरा नाम दीपचंद कांडपाल है, और अभी मैं हाथ धो रहा हूँ। और ये जो खुशबू आपके वातावरण में महक रही है, उसे उसे क्या कहना चाहेंगे आप? ये प्राकृतिक खुशबू है, ये प्राकृतिक तो नहीं है, ये प्राकृतिक तो सुबह से देख रहे हैं हम। दोस्तों यहाँ से सुंदर सी गुनगुनी सी धूप, और यहाँ खूबसूरत सा नज़ारा। हम लोग आए हैं छत में, और छत से देख सकते हो आप कितना प्यारा नज़ारा है। तो रामनगर है ना अमित? ये रामनगर है ना सामने वाला? अभी यहाँ से नहीं दिखेगा, धुंध लगी, लेकिन रात को दिखती है। यहाँ से लंबी सी लाइट 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 दिखती है, जो पूरा नज़ारा वो पूरा उधर को है रामनगर। दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं, और वो अंकल लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमसे कहा कि तुम जितने दोगे हम उतने रख लेंगे। मैंने बहुत बहस करी है ना दीपक, मैंने बहुत बहस करी, कैसे बोल रहा है जी, मैंने बहुत बहस करी है। उधर को चलना ना सीधे सीधे, ऊपर को, ऊपर को सीधे, हेलीकॉप पकड़ लेना जी सर। अभी कल हम यहाँ से वापस नहीं आए, हम आगे चले गए थे। चलो तो क्या कहते हैं, मैंने उनसे बहुत बहस करी कि सर आप जितना है आप अपने हिसाब से बताओ, उन्होंने हमको बताया ही नहीं, और उन्होंने कहा कि आप जितने दोगे हम लोग खुशी खुशी रख लेंगे। लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से दे करके आ गई। तो चलते हैं, और हम लोग जा रहे हैं शूट के लिए। एक घंटा तो जाने में लगेगा, हम स्टार्ट होगा 9 बजे से, मुझे ऐसा लग रहा है। दबा तो नहीं? ना ना, नहीं दबा, नहीं दबा, उसके नीचे आ गया था। दोस्तों देखो, कल हमें खरगोश दिखा था, आज हमें हिरन दिखा। सुंदर 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 हिरन। तो दोस्तों दीपक किसी बात पर गुस्सा हो गया है, तो अमित उसको मना रहा है। और आज इन्होंने मुझे पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि दोनों आज बहुत गुस्से में। नाम बताओ पहले अपना। योगेश कुमार। योगेश कुमार, तो ये कह रहा है कि अगर किसी ने कमेंट किया गाने में इतने छोटे बच्चे से बैग क्यों उठवाया, तो ये खुद कहेगा कि ये क्या कहेगा, क्या कहेगा बाबू? मैं बोलूंगा मेरी आफत तो नहीं निकलेगी, आपकी आफत पक्का निकलेगी।
तो देख लेना जो कमेंट करेगा ऐसा, बच्चे ने बोल दिया मेरी तो नहीं तुम्हारी आफत जरूर निकल जाएगी। वो सीन चल रहा है ना, शॉर्ट चल रहा है इधर पे, तो इस वजह से हाँ बताओ। ओके बाय बाय, ठीक है बाय, अगले साल मुलाकात होगी। ठीक हो गया छोटे, तेरे रील डालूंगी देखना, ठीक है, चश्मा चश्मा पहन के बाय, चश्मा तेरे, ठीक है बाय आंटी, ठीक है बाय सबको बाय। हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं वापस। अब भावना कांडपाल 03, तो अब चलते हैं, और अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, हमने रास्ते में करना है। बाकी जो ये गांव वाला शॉट था वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी मेरी ड्रेस है ये, और ये वाली ड्रेस ना मैंने, मेरे पास काफ़ी टाइम से रखी हुई थी तो सुंदर भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को पहन लिया जाए। तो चलते हैं अब, बाकी बहुत अच्छा रहा एक हफ्ते बाद, पूरा 8 दिन बाद घर जा रहे हैं अपने, बहुत अच्छा लग रहा है। कल छुट्टी है, ये ज़्यादा खुशी की बात है। इसकी कल छुट्टी, कल मैं आराम से बैठ के गेम खेलूंगा, दिन भर गेम खेलेगा, पबजी खेलेगा, रैंक पुश करेगा, न्यू रैंक आई है, मेरे को भी रैंक पुश करनी है, थोड़ा आगे तो बढ़ना है। तो कोई मेरे भाई के साथ गेम खेलने के इच्छुक है, अगर कोई मेरा व्लॉग देखता है पबजी प्लेयर, बताना लड़की, मन की बात बाहर आ गई, शिट कोई किसी ने नहीं सुना। तो अगर कोई पबजी आई खेलता है तो इसकी आईडी मैं दे दूंगी, तो आप लोग इसके साथ खेल सकते हैं जी भर के। कौन क्या प्लेयर है, AK2OP देती है, भूल जाती है मेरी आईडी लेनी है, AK2OP नहीं, इसका यूट्यूब चैनल भी है, AK is live YT इसका चैनल भी है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। अब नहीं डालता वैसे इसमें वीडियो, उसमें वीडियो देखना, उस दिन मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी हम कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। और मैंने क्या कहा था, मेरे फेस का मेकअप अगर आपको भी ठीक लग रहा है तो मैं बता दूँ कि मैंने फेसेस कनाडा का फाउंडेशन यूज़ किया था, तो वो अच्छा है ना, अच्छी चीज़ रिकमेंड करने में क्या जा रहा है, अगर कोई लड़की देख रही है या कोई मेकअप वाला देख रहा है तो उसे यूज़ कर सकता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कवरेज है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी देता है। तो गाइस अभी हम वहाँ से शूटिंग करके आ चुके हैं, और देखो भावना यहाँ पे, अब भावना यहाँ पे गाड़ी साफ करने वाली है, देखो अच्छा लगाते हैं भैया, अनसीन फुटेज है गाइस। रगड़ के मार, थोड़ा मारना नहीं आ रहा, सिखाओ जी, जी सर को ऐसा करके है ना, अच्छे से और तगड़ा साफ करके, लेकिन वो तो आएगी, मत बनाओ मत बनाओ सर, ये तो आएगा अब, मत बनाओ ये तो कंटेंट है, ये तो आएगा, अंदर की कौन करेगा भानु, अंदर की वो सर्विसिंग में, नहीं नहीं हमें तो आज ही चाहिए सफाई। तो दोस्तों शूट कंप्लीट हो चुका है, और ये सॉन्ग आने वाला है उत्तराखंड सुपर मंच चैनल से, तो जरूर सब लोगों ने देखना है। और अब चलते हैं अल्मोड़ा को, बहुत खुशी हो रही है, मतलब इतनी खुशी हो रही है ना मैं बयान भी नहीं कर सकती अपनी खुशी को। हेलो गाइस, मैं देखते आप लोग बहुत काला हो चुका हूँ यहाँ करके, ओह माय गॉड, घोरा कब था, इतना काला भी नहीं था यार, इतना घोरा भी नहीं था, लड़कियाँ फिदा थी मुझ पे पहले, लड़कियाँ फिदा थी नहीं, लड़कियाँ फिदा है नहीं है, हैं बहुत सारी, और मैं भी फिदा हूँ, पैसा हो गया ये बातें पब्लिक में आनी चाहिए बेटा, ये रामनगर आ रहा था, इसका पैचअप हो गया था, और आज आ रहा है तो ब्रेकअप हो गया नहीं वापस पैचअप हो गया हो गया तो पैचअप हो गया गाइस, पैचअप, चलो बेल बढ़िया है, हम तो यही चाहते हैं भगवान से कि हम तो यही चाहते हैं पैचअप हो जाए, क्योंकि हम लोग हरिद्वार से एक बैग लेकर के आए थे मोहतरमा के लिए, मैं कह रही हूँ ब्रेकअप हो गया, मेरे को दोनों यूज करने पड़ेंगे। तो दोस्तों दीपक भाई हमारे नाराज हो चुके, दीपक भाई क्या कहना चाहोगे, मुझे तो बड़ी सेट कर रखी है आपने सर, ये कोई बात नहीं सर ने गुटखा खाना वापस शुरू कर दिया है इसलिए